नमस्कार मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र सो सच तो सच है इस कड़ी में हम आपको मिलाते हैं रीवा जिले की एक ऐसी हस्ती से जिसने अपने आत्म बल के कारण संघर्ष करते हुए राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी सरल शांत एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी माननीय सांसद राजमणि पटेल जी का जन्म रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा अंतर्गत ग्राम बरो में हुआ था गांव में प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए रीवाय और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से इन्होंने एल की इस दौरान छात्र जीवन में राजनीति भी की और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित हो कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई और वर्ष उन्नीस सौ बहत्तर एवं उन्नीस में विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए साथ ही कैबिनेट मंत्री की अहम भूमिका भी निभाई वर्ष 2018 15 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित हुए आज हमारे बीच है मध्य प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राज्यसभा सांसद माननीय राजमणि पटेल जी मैं उनका स्वागत करता हूं। माननीय सांसद जी आपका स्वागत है बहुत बहुत आपका बंदन अभिनंदन आपने सच तो है सच के शो में जो आने का अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत आप सबको बन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यादों का दरवाज़ा खोलते हैं और ले जाते हैं आपको आपके अतीत की ओर जहाँ एक किशोर राजमणि अपनी ऊँची उड़ान भरने के लिए सपने सजोए बैठे हुए हैं जहाँ आपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयारियाँ की आप क्या कहना चाहेंगे देखिए हम लोग हमारा जीवन शुद्ध रूप से ग्रामीण परिवेश से रहा है और उस समय जीवन का और कोई माने उस अवस्था में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि हमें क्या बनना क्या नहीं बनना उस समय तो केवल इतना था कि हमारे अभिभावक हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ना चाहिए ईमानदारी से और पढ़ाई करने के बाद आगे हमको बढ़ना चाहिए और हमारी शिक्षा शिक्षा वही गांव के स्कूल में हुई हमारे पिताजी उस समय रहे नहीं और पिताजी का भी दायित्व तो हमारे बड़े भाई साहब ने निर्वाह किया तो उस समय जो है गांव की पढ़ाई तो आप जानते हैं लेकिन आज की जब सोचते हैं तो लगता है कि माने तब की पढ़ाई बहुत अच्छी थी उस समय अनुशासन था उस समय गुरुओं को क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए रिस्पेक्ट आदर का भाव था हम लोग गुरुजनों से डरते थे उनका सम्मान करते थे वो कोई आदेश देते थे तो उसको माने पालन करते थे और उस चीज़ को मानते थे कि गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है ये शिष्य गुरु परंपरा रही है उस समय अभिभावकों का जो है सम्मान करते थे अभिभावक गारियंस जो कहते थे उसको तवज्जो देते थे मानते थे उनकी बातों की कभी अवहेलना नहीं करते थे तो इस तरह से माने गांव के विद्यालय में हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और वहाँ से पढ़ने के बाद नवमी से मैं रिवा गया और हमारा किसी भी तरह राजनीतिक और परिवेश नहीं था केवल सोशल सामाजिक परिवेश था हम जब नौमी में आए थे उस समय से हमने शुरू किया जब हम हाँ अपने समाज को देखते थे कि किस तरह से समाज का शोषण होता है किस तरह से बाल विवाह होता है किस तरह से शादियों में फिजूल खर्ची होती है किस तरीके से हमारी जो परंपराएं हैं वो धर्म के नाम पर किस तरह से समाज लुटता है ये माने पीड़ा थी ये दे देख करके हमारे मन में पीड़ा थी तो इसके दिशा में हमारा रुझान ज़्यादा था नौवीं क्लास से ही शुरू कर दिया जो शादी ब्याह में शिष्टाचार होता था उस समय जो है हम लोगों ने शिष्टाचार के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस लाना जागृति पैदा करना कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए दहेज प्रथा नहीं लेना चाहिए शादी में फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए और वही पैसा बचा करके बच्चों के एजुकेशन में लगाना चाहिए गरीब की मदद में लगाना चाहिए तो शुरू से हमारा माने सामाजिक कंसेप्ट रहा है जिसकी शुरुआत हमने कक्षा नौ से कर दिया था और उसके बाद कॉलेज में आए कॉलेज में जो आए तो अचानक सडन राजनीतिक और हमारा झुकाव हुआ वहाँ हम लोगों ने देखा था हसी मजाक में कि चुनाव हो रहा है यूनियन का नहीं। नहीं। तो लोगों ने कहा कि चलो हम लोगों को भरना चाहिए हम दो चार जो गांव के लोग थे तो एक दूसरे को कह रहे आप भरो कह रहा था आप भरो फिर सब में जो है तो हमसे फार्म भरा कहीं ना भर दीजिए हमने सोशल सेक्रेटरी का सामाजिक सांस्कृतिक सचिव का जो है फार्म भर दिया बिना किसी माने सोचे बिना उस उसके आपसी लोगों की चर्चा के कारण जो है फार्म भर दिया और चुनाव लड़े और उसमें सबके उससे हुआ कि माने सब चुनाव भी जीत गए सोशल सेक्रेटरी बन गए फिर हमने ये सोचा कि माने अब कोई जिम्मेदारी जो मिली है हमें इसका ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और हमने सोशल सेक्रेटरी के पद पर रह करके अच्छा ईमानदारी से काम किया जिससे पूरे कॉलेज में एक छवि बनी कि अभी तक जो माने सामाजिक सचिव आए हैं उनमें सबसे अच्छा ईमानदारी से काम किया है वहाँ सीमित बनी उसके बाद प्रेसिडेंटी का चुनाव आया प्रेसिडेंटी का चुनाव भी लड़े और उस समय जो यहाँ पर कहना चाहिए कि राजनीतिक एक दबदबा यहाँ था यहाँ दबदबा उस समय था तिवारी जी का जो हमारे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी का और ऐसा एक माहौल यहाँ बना था कि बिना तिवारी जी के साथ लिए विश्वास लिए चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है तो पहले तो माने प्रेसिडेंटी का चुनाव हम लड़े और उसमें तीन वोट से हार गया और हार इसलिए गया कि इतना आतंक फैला गया कि हमारे साथ जो साथ देने वाले थे कमांडेंट का लड़का हमारे साथ में था उसको घर में बंद करा दिया गया ताला में कि तुम अगर जाओगे तुम्हारा लड़का तो हम तुम्हारा ट्रांसफ़र करा देंगे तो उसको ताले में बंद करा दिया गया वो बेचारा जा नहीं पाया इस वजह से तीन बोर्ड से मतलब एक, एक खौफ का माहौल समय बना हुआ रहता था वो वातावरण था लेकिन उसके खिलाफ अपन लोगों ने आवाज़ कैसे उठाना चाहिए कोशिश हमने किया उसके बाद दूसरे जब प्रेसिडेंट का चुनाव आया तो हम लोगों ने कर दिया नरेंद्र सिंह ताला हाउस खड़े थे तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप तिवारी के पास नहीं जाओगे तब तो आपका समर्थन करेंगे और नहीं हम लोग नहीं करेंगे हम लोग ये साबित करना चाहते हैं कि चुनाव जो है कोई राजनेता नहीं लड़ाता कोई मान्य सामंतवादी ताकत नहीं लड़ाती चुनाव जो है ये छात्र वोट देते हैं छात्रों की ताकत पे चुनाव होता है लेकिन वो चले गए फिर हम लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद हमने जिस कैंडिडेट का समर्थन किया छात्रों ने दिया और वो चुनाव जीता उनका कैंडिडेट चुनाव हारा पहली बार ये परंपरा बनी कि माने उनसे हट करके के भी माने छात्रों के विश्वास के आधार पर चुनाव जीता सकता है ये इतिहास बना और उसी समय उस चुनाव फिर इतनी मारपीट हुई इतना गदर हुआ कि उसके बाद माने चुनाव प्रक्रिया ही माने बंद हो कुछ एक घटना यह भी हुई थी कि आपने सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई तब तो आपको जेल भी जाना था वो दिन क्या थे नहीं जेल तुम्हारे तो मारे राजनीतिक उसमें तो गए थे कालेज उसमें जब इंदिरा जी का वो था हमें ना तब उस उसमें गए थे स्टूडेंट के मामलों को लेकर के माने जेल गए तीन दिन रहे और तीन दिन के बाद फिर जो है मैंने रिहा हो गए तो छात्रों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर के मैंने जेल भी गए विद्यार्थी जीवन में और बहुत तो राजनीतिक उसमें भुगते भी उसमें प्रताड़नाएँ हुई टार्चर किया गया लेकिन उसको बर्दाश्त किया लेकिन एक मोटिव था कि नहीं सामंतवाद के ख़िलाफ़ हमें संघर्ष करना है और लोगों के विश्वास को जगाना है विद्यार्थियों के विश्वास को हमने जगाया और उसमें हमें सफलता में मिली लोगों का साथ मिला और सामंतवादी शोषण करने वाली प्रवृत्तियाँ जो है कमज़ोर हुई अच्छा जब आपने राजनीति को अपने करियर के तौर पर चुना उस समय आपके सामने क्या चिंताएं उस समय चिंताएं तो हमारे जैसे हमारा सामाजिक परिवेश रहा तो हमारी ये था कि जो इस देश की ताकत जो है ये चिंतन था कि इस देश की आखिर ताकत क्या है इस देश की ताकत इस देश का गरीब है मेहनत करने वाले लोग हैं जो अपना खून और पसीना बहाते हैं सड़क के निर्माण से लेकर के इंडस्ट्री के निर्माण तक में जो है अपना खून पसीना बहाते जिनके कारण ये देश मजबूत होता है हर क्षेत्र में तो जब तक इस देश के गरीब के विश्वास मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता इसलिए हमेशा हमारा कंसेप्ट रहा है कि गरीब का विश्वास मजबूत होना चाहिए तभी देश प्रगत और विकास कर सकता है ये हमारे लालसा थी हमारे इच्छा थी और इसी परिवेश में जो है राजनीति में भी हमें आना पड़ा राजनीति में आना था हमारा इरादा ये तत्काल आना नहीं था लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी उस समय के नेताओं की ये सोच थी कि भाई बैकवर्ड को जो है बावन फीसदी आबादी बैकवर्ड की है ये महसूस किया कि बैकवर्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं है बैकवर्ड को आगे आना चाहिए बैकवर्ड को आगे लाने के लिए हमारा चुनाव हुआ कि भाई इनको माने चुनाव लड़ाया जाना चाहिए जबकि हमारी इतना जल्दी लड़ने की इच्छा नहीं थी लेकिन ये डी मिश्रा चंद्र प्रताप तिवारी जैसे नेताओं का माने योगदान रहा है कि उन्होंने हमें ढूंढ करके जो है और कांग्रेस पार्टी को उन्नीस में पहली बार टिकट दिया और क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद के कारण उन्नीस में हमारे विधायक भी पहली बार हमारे चुने गए तो ये हमारा राजनीतिक परिवेश रहा है और चुनाव के बाद जो है हमेशा हमारी कोशिश इसी आधार पर रही है जो भी हम अपने राजनीतिक जीवन में हमने कदम उठाए निर्णय लिए संघर्ष किया केवल यही भाव था कि गरीब के विश्वास को मजबूत करना गरीब के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना उसके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ना क्योंकि भूख इंसान में दो तरह की होती है एक तो होती है रोटी की भूख होती है एक स्वाभिमान सम्मान की भूख होती है रोटी की भूख जब पहले आ जाती है सम्मान को पीछे कर देता है तो गुलाम होता है और जब रोटी पीछे करता है स्वाभिमान सम्मान आगे रहते हो बाद में आज़ाद होता है तो यही था कि अपनी इस पूंजी को जो ये भाव है ये ताकत है उसको पहचाने कि इंसान में अगर स्वाभिमान सम्मान नहीं तो कुछ नहीं है तो स्वाभिमान और सम्मान के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो रोटी को भी ठोकर मार देना चाहिए इस भावना के आधार पर हमने पूरे अपने राजनीतिक में काम किया राजनीतिक जीवन में हमने कभी वोट को महत्व नहीं दिया कि वोट के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए वो हमने करने का प्रयास किया वो करने की वजह से फिर वोट हमको मिले हमारा प्रयास था लेकिन जो आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि वोट के लिए झूठ बोल दो धोखा दे दो हरेप कर दो किसी के साथ विश्वासघात कर दो किसी को जात के आधार पर लड़ा दो किसी को पैसे में खरीद लो तो इस तरह की जो राज इस तरह के कभी हमारे कंसेप्ट नहीं रहे इसके खिलाफ़ हमेशा हम रहे हैं कि हमें हार जाना मंजूर है हार भले जाओ लेकिन जो मूल्य हैं मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मूल्य मर गए तो समाज मर गया मूल्य मर गया तो इंसान मर गया इसलिए मूल्यों के लिए लड़ो और मूल्यों की लड़ाई में जय और पराजय ये दोनों मिलता रहता है तो इसी को आधार मान करके के हमने अपने जीवन उस दौरान की कोई एक ऐसी घटना जो आज भी आपको याद है नहीं तो इस तरह की तो घटनाएं बताने के कि पूरे संघर्ष का माने जो है कोई ऐसी पर्टिकुलर वो नहीं है लेकिन जब हमने माने समाज के लोगों की स्थिति को देखा दशा को देखा कि, कि किस तरह से उनका राजनीतिक किस तरह से सामाजिक उनका माने शोषण होता है हैं तभी तो माने हमारी विचारधारा है कि उसके खिलाफ़ हमें संघर्ष करना है कि माने कोई वैचारिक रूप से गुलाम न बना पाए उनको खरीद ना पाए उनको गुमराह न कर पाए तो जहाँ भी इस तरह का जो आते रहे हैं उस इशू के ख़िलाफ़ हमेशा हमने संघर्ष किया और उसके खिलाफ़ हमेशा संघर्ष करते रहे जब आपने राजनीति में प्रवेश किया उस समय आपने किसी को अपना आदर्श बनाया होगा किसी को अपना गुरु बनाया नहीं आदर्श ये बताया कि हमें राजनीति में लाने का अगर श्रेय किसी को है तो माध्यम बने चंद्र प्रताप तिवारी जी।, जी और उसके बाद इसको जामा जो विचार को जन्म दिया जिसकी सोच थी वो थी डीपी मिश्रा जी, जी।, जी। तो शुरुआती तो राजनीति पे हमारे रहे उसके बाद माननीय अर्जुन सिंह जी जो है हमारे सान्निध्य में आए और उनके ने नेतृत्व में हमने काम किया और जब तक वो रहे तब तक वही हमारे फिर जो है राजनीतिक नेता जब आप उच्च शिक्षा के लिए रीवा आए थे आपने एल एल बी ए पी एस यूनिवर्सिटीज़ किया उस दौरान आपका रीवा के दो मोहल्ले विशेष का बिछिया और घोघर से निकटतम लगाव था देखिए हम तो जब आए थे नौवीं से रीवा आ गए थे हैं और नौमी से ही जो है जब से हम रीवा आए तभी से जो है हमारा संपर्क जो है यहाँ जो स्थानीय लोगों से रहा है और ख़ासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी से रहा है क्योंकि उनके यहाँ रह करके हमने पढ़ाई लिखाई भी की और जो उनका प्रेम स्नेह मिला हमें पारिवारिक मिला कभी नहीं लगा कि हिंदू भी होता कुछ मुसलमान भी कुछ होता है जिस तरह से एक माँ बाप अपने बेटे को प्यार देते हैं स्नेह देते हैं उसी तरह से स्नेह और प्यार हमें उनका जो है हमें माने छात्र जीवन में मिला और आज तक माने विधायक मंत्री बनने के बावजूद भी जो है जिन घरों में जिन लोगों से हमारा जो स्नेह का रिश्ता बचपन में रहा है उसी भाव से आज भी माने जो है हमारा रिश्ता ये हम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि आज हम पदोदय पर मंत्री रहे सब कुछ रहे लेकिन वही व्यवहार वही लगाव वही अपन माने आज भी है किसी भी तरह का अंतर नहीं है कि जब हम पढ़ते थे तब व्यवहार कैसा था आज कैसा है ये हम सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि स्नेह और प्यार लोगों का आज तक माने बरकरार है ये हमारी उपलब्धि है और ये जीवन के सबसे बड़े उस दौरान कोई आपका बहुत निकटतम व्यक्ति रहा हो नहीं निकटतम तो मैंने उस समय हमारे जो है जो शुरुआत हुई थी हमारे मोहम्मद ईसा जी थे और जो हम गांव के परिवेश आए थे हमारी अंग्रेजी कमजोर थी और वो इंग्लिश के विद्यार्थी थे तो उनके साथ हम पढ़ते तो हमको गाइड करते थे हैं और गाइड करने के बाद जो है हम उनसे काफ़ी माने शिक्षा लेते थे उनका पिता जी थे वो भी हमें मार्गदर्शन देते थे और उसके बाद यहाँ घोघर में जो है ए, लाला के पिता जी थे ललील चाचा जी समझे ना उनका स्नेह मिलता रहा हमको पढ़ाई के दौरान भी तो इस तरह से माने समाज का हमें मिलता रहा आगे बढ़ता एक राजनेता व समाज सेवी के रूप में आपने कुछ प्राथमिकताएं भी बनाई होंगी हमारी प्राथमिकताएं बताएं कि हमारी प्राथमिकताएं मूल्यों की लड़ाई है मूल्यों की राजनीति करना है और हमारा ये मानना है कि जब तक माने राजनीति के क्षेत्र में मूल्यों को मजबूत नहीं किया जाएगा जब तक माने कोई समाज मजबूत नहीं हो सकता है आज जो सबसे बड़ी चुनौती इस देश में है उस चुनौती के लिए मानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे बड़ा शोषण इस देश के गरीब का पिछड़े का दलित का माइनॉरिटी का होता है और दो चीज़ें ही जरूरी हैं तो हमारा ऐसा मिन उस हिस्सा में हमारी सोच संघर्ष है कि अगर इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य अनिवार्य रूप से फ्री कर दिया जाए तो ईमानदार राष्ट्र का निर्माण हो सकता है क्योंकि दो जगह जा कर के ईमानदार आदमी भी टूट जाता है अगर किसी को गंभीर बीमारी हो गई तो ईमानदार व्यक्ति है तो भी सोचता है कि जिंदगी बचाना जरूरी है अगर तो बेईमानी करना पड़े तो भी कर लेगा लेकिन ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है बच्चे को जो है भूखे रह लेगा लेकिन अपने बच्चे को हर कोई अच्छी शिक्षा देना चाहता है अगर देने की हैसियत नहीं है ज़रूरत पड़ती है कहीं बेईमानी करने की तो बेईमानी वो कर लेगा क्योंकि बच्चे का भविष्य बनाना है अगर दो की गारंटी सरकार ले ले शिक्षा और स्वास्थ्य की किसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है तो ईमानदार इंसान बन जाएगा ईमानदार समाज बन जाएगा ईमानदार राष्ट्र बन जाएगा आपने चार बार विधानसभा का चुनाव जीता और कैबिनेट स्तर पर कार्य भी किया और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं आपने अपनी जनता के लिए क्या सोच रखा है नहीं हम तो जब जहाँ जिस जिम्मेदारी पर भर रहे हम सेहत निर्माण निगम के अध्यक्ष रहे हमारी कोशिश रही पूरा कि मध्य प्रदेश के कैसे हमारे ग्रामीण अंचल जो है आवागमन की सुविधा से जुड़ें ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा पुलों का निर्माण किया अपने कार्यकाल में इस माध्यम से कि माने खेती करने वाले लोग गांव के लोग किसान लोग कैसे हमारे शहर से जुड़े उनका उत्पादन कैसे मार्केट में जाए वो दिशा में हमने प्रयास किया राजस्व विभाग हमारे पास में आया तो राजस्व विभाग में भी जो किसानों से जुड़ी समस्याएं थी उस समस्याओं के दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया और ये जो माने आपदा राहत राश मिलती है पहले जो है बहुत नगण्य थी आमा का महूबा का तीतर का बटेर का इनका कोई प्रावधान नहीं था लेकिन जब राजस्व मंत्री हम बने तो सारे इन प्रावधानों को लागू किया कि ये भी गरीब की फसल होती है आमा महबूआ इसका भी उसको हमने कानून में लाया कानून में ला के कि वो किया तो बहुत ऐसे माले किसान हैं जिन्हें जो कंप्यूटर आया कंप्यूटर के माध्यम से जो किसानों को माने आगे बढ़ाने का मौका मिला ही है हमारे समय में आया उसको हमने गति दिया कि कंप्यूटराइजेशन की ज़रूरत है और राजीव गांधी की देन है और उसको पन्ने मिली जाम उस समय पहनाया तो जो किसानों के हित बातें हैं कि किसान इस देश का अन्नदाता है प्राणदाता है और जब तक वो खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता तो उसके लिए हमने संघर्ष किया प्रयास किया और काम भी किया वर्तमान में आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसा देखते हैं हम अपने ज़िंदगी का सफ़र तो इतना मानते हैं कि माने जो हम सोचते हैं उसमें बाधाएं हैं कठिनाइयां हैं जो हम सोचते हैं वो पूरा हो नहीं पाता लेकिन हमें संतोष ये है कि माने जो हम सोचते हैं जो विचार करते हैं बाधाएं आती कठिनाइयाँ आती लेकिन उन बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद भी हम अपने लक्ष्य पर जो है आगे बढ़ रहे हैं उसमें लोगों का विश्वास मिल रहा है हौसला मिल रहा है तो कामयाबी की ओर हम बढ़ रहे हैं उससे हम अपने जीवन की सफलता मानते हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि बाधाएँ कठिनाइया तो आती हैं लेकिन मंजिल में पहुँचना मंजिल तक ले जाना हमारा लक्ष्य नहीं है हमारा तो लक्ष्य यही है कि जितनी हमारी क्षमता है जितनी हमारे विचार है उस क्षमता के आधार पर हम आगे बढ़ते रहें चुनौतियों का सामना करते रहें लोगों को उससे एक दिशा और प्रकाश मिले हमारा कोशिश होती है उसी भावना के आधार पर हम राजनीति में काम कर रहे हैं एक राजनेता के रूप में आपके भविष्य की योजनाएं क्या हैं हमारे भविष्य की योजना बस यही है कि माने जो भी समाज और देश के लिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी मुद्दे हैं उसके लिए संघर्ष करते रहना उसके लिए अपनी आवाज उठाते रहना हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो युवा वर्ग है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि आज देश जो है चुनौती भरे दौर से गुजर रहा है आज अनेक समस्याएं और चुनौतियां देश के सामने हैं और अगर चुनौतियों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा ये इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना और निवेदन करना चाहता हूँ नौजवानों से और विशेषकर अपने समाज के बुद्धिजीवियों से कि आप में विचार है आप सोचते हैं समझते हैं जानते भी हैं लेकिन अगर ऐसे समय में आप मौन रह जाएंगे या कि आप भट दिशा भटक जाएंगे या कि आप गुमराह हो जाएंगे तो आपके गुमराह होने का सवाल नहीं है देश गुमराह हो जाएगा और देश अंधकार में चला जाएगा इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो सच है सच तो है लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसको सच साबित करने के लिए उसको सच्चाई तक मंजिल पर ले जाने के लिए अपने आँखों को खोल करके माइंड को खोल करके जो है व्यक्तिगत दायरे से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय परिवेश में चिंतन करके उस विचारधारा को सतत आगे बढ़ाते रहने की ज़रूरत है उसकी चर्चा करते रहने की ज़रूरत है वो वातावरण बनाते रहने की ज़रूरत है ताकि देश हमारा बर्बादी से बच सके और प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो हमारी खुशनसीब ये है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद माननीय राजमणि पटेल जी ने अपना अमूल्य समय दिया इसके लिए मैं आप सभी की ओर से उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सच तो सच है मैं बस आज इतना ही कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए नमस्कार आदाब सत श्रीकाल